झारखंड में रूपा तिर्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रूपा तिर्की की मौत के बाद उनके परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल के समक्ष कई बार गुहार लगा चुके हैं। बीजेपी के नेता इसमें सीधे रूप से इन्वॉल्व हैं। वो चाहते हैं कि उस पीड़ित लड़की को न्याय मिले जो मृतक हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं आरती कुजूर हमारे साथ हैं, उनके तमाम परिजन हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि आखिर राजभवन इन दिनों लगातार गुहार लगाने का की जगह बन गया है और राजभवन के समक्ष लगातार प्रतिदिन लोग आते हैं। ऐसे में आरती कुजूर हमारे साथ हैं। आरती जी, क्या पूरा मामला है, आखिर आज मुलाकात की वजह क्या हुई? जब से रूपा तिर्की की हत्या हुई है, उनके शरीर में चोट के निशान और जो उनका जो शरीर जिस अवस्था में मिली थी वो तमाम चीज़ों को देख के एक आम आदमी भी कह रहा है कि इसकी हत्या हुई है। उनके परिजन इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है और इन्होंने भी सीबीआई जांच करके न्याय की गुहार लगाई है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने एक न्यायिक जांच का एक झुंझुना उन्होंने किया है, क्योंकि जब उसकी माता ने जो एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, उस आवेदन पर तनिक भी विचार ना करके ये पुलिस प्रशासन इस मामला को आत्महत्या का रंग में रंगना चालू किया। और जब बहुत सारे बात लोक प्रलोभन देने के बावजूद भी जब परिजन नहीं डिगे तो उनके पिता को ही अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया। तो आप सोचिए, जिस पिता ने अपनी बेटी की हत्या की के हुई है, इसके लिए सीबीआई जांच की मांग की और न्याय की मांग की है, ये एक नया ही बात होता है कि उनके पिता को ही हत्या के आरोपी बनाया जाता है। तो इन्हीं बात को लेके आज हम सारे लोग, उनके परिजन यहाँ पर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल से गुहार लगाइए कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए, साथ ही साथ रिप पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि उनके गले में चोट के निशान है, नाक और मुंह से झाग निकल रहा है और ये उनके पैर में चोट के निशान, इंटरनल पार्ट्स ब्लीडिंग है और उनका विसरा तक प्रिजर्व करके नहीं रखना, एक महिला डॉक्टर भी पोस्टमार्टम पर नहीं होना, तो बहुत सारे सवाल ये निशान खुद राज्य सरकार की कार्यशैली पर है। इसीलिए रिपोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की मांग परिजनों ने कहा है। परिजनों ने कहा, माँ है उनकी, शायद ये माँ है रूपा तिर्की। आप क्या कहना चाहती है, राज्यपाल से मिलकर क्या कुछ कहा आपने? वो बोली, उससे मिल के हमको अच्छा लगा कि बोली वो सीबीआई जांच हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, वो बोली। राज्य सरकार कह रही है कि ये जो मामला है पूरी तरह से वो कन्नौजिया से जुड़ा हुआ है, प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। वो उसको छोड़िए, हम उसको कुछ नहीं जानते थे, उसको छोड़िए, हम नहीं जानते हैं उसको। तो मतलब उनसे संबंध था क्या पहले? नहीं जानते थे उसको, तो हम संबंध था क्या था उसको, हम नहीं जानेंगे उसको। जो मेरा बेटी बताई है हम उसको जानते हैं। क्या बताई थी? बताई थी 10-12 दिन पहले हमको मनीषा जोशना ठग के पंकज मिश्रा के पास ले गई थी, बहुत टॉर्चर दिया। तो क्या टॉर्चर दिया? तो बोलती है मामी नहीं बताएंगे हम, आप टेंशन ले लीजिएगा। तो ठीक है, हम टेंशन लेंगे, बताओ ना, तुम नहीं बताएंगे टेंशन, बाद में बताएंगे बोली। नहीं बताई, फिर ऐसा ही करती थी, मेरा बच्ची नहीं बताती कुछ चीज़ को वहाँ का। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं, इनकी माँ लगातार रो रही हैं और ये कह रही हैं कि न्याय चाहिए। और ऐसे में न्याय की उम्मीद से ले आज राजभवन आकर इन्होंने गुहार लगाई है कि इनकी बेटी की जो मौत हुई है उसकी सीबीआई जांच की जाए। आप कौन हैं रूपा के? हम सामाजिक संगठन से हैं। अच्छा, क्या क्या आप लोगों ने बातें रखी राज्यपाल महोदय? राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने लिखित में आवेदन भी दिया माँ के नाम से, और आवेदन में ये हम लोग प्रमुखता से ये बात रखी कि सबसे पहले तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूसरी की बॉडी का रिपोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि चूँकि 50 दिन होने जा रहा है और 50 दिन से पहले ही हम लोग चाह रहे थे एक सप्ताह के अंदर में, अभी से एक सप्ताह के अंदर में बॉडी का रिपोस्टमार्टम हो जाए, ताकि जो चीज़ छूट गई है, बिसरा नहीं रखा गया है और झाग कैसे आया, ये सारा चीज़ पहले के पोस्टमार्टम में नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से पोस्टमार्टम हो और ये बातें खुल कर आए। रूपा तिर्की की बहन है, आपको आप भी आई हैं, क्या बोली आप राज्यपाल के पास? हम लोग बताए कि ये हत्या है, मतलब कैसे पुलिस प्रशासन शुरू से ही हमारे साथ लापरवाही, मतलब वो लोग जो लापरवाही कर रही है और इसको लव एंगल का ये शो कर रही है, जबकि ये मर्डर है। तो हम लोग यही बोले कि मर्डर है और सीबीआई जांच की मांग की है हम लोग, और रिपोस्टमार्टम हो ये भी बोला है। तो कभी बताया था रूपा ने अपने ऊपर जुल्म हो रहे हैं या कुछ ऐसा अंदेशा बताया था आप लोगों को, बात होती है घर में? वही बस
एक बार पंकज मिश्रा के पास लेके गई थी तो टॉर्चर हुआ था, बस वो बताई थी और पहले ही बताती थी, पर डिपार्टमेंटल मामला है बोल के वो मतलब उतना बताते नहीं थे। कोई कन्नौजिया से भी उनकी बातचीत होती थी, उनकी बातचीत थी ये तो हम लोग को नहीं पता। और उनके पिता हैं हमारे साथ, ये बताइए आपकी बच्ची की मौत हुई है उसके बाद लगातार गुहार लगा रहे हैं राजनीतिक दल, आप लोग भी, क्या न्याय में देरी क्यों हो रही है, क्या आप लोग क्या मानते हैं, न्यायिक आयोग भी बनाया गया इसमें? अब देखिए मैं तो शुरू से ही जब मेरा परिवार वहाँ जो उसको डेड बॉडी लाने के लिए गया था तब से ही उसका जो शरीर का जो स्थिति, उसका शरीर में जो चोट को देखते हुए हम लोग CBI जांच के लिए डिमांड किए हुए हैं। और हमको वहाँ का जो पुलिस प्रशासन की इंक्वायरी और SIT का इंक्वायरी से हमको संतुष्ट नहीं है और न्यायिक जांच से भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए मैं CBI जांच की मांग करता हूँ। ये वो जो सरकार बता रही है कि जो कन्नौजिया है जो उससे संबंध थे उनके और मामला उस तरफ जा रहा है, देखिए जो ये प्रशासन सिर्फ एक एंगल पर ही जांच कर रही है, ये इसके दूसरे एंगल भी हैं, जैसे वो कौन कौन सा केस देख रही थी, कहीं उधर से तो ये दबाव या तो ये नहीं था, उसके अलावे उसके शरीर में चोट भी है जो कि आप लोग को मैं बहुत बार आप लोग को भी बता चुका हूँ, तो उस एंगल पे ये क्यों नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक झुनझुना पा ली है और उसी को झुनझुना को बजा रही है, उसको दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए। नहीं तो कोई वीडियो व्हाट्सएप चैट जो उजागर किए हैं पुलिस ने कि जो उसकी बातचीत होती थी कन्नौजिया से, तो वो सब मामला उस एंगल पर आप लोग बात क्यों नहीं करते? देखिए उस एंगल पे कैसे करेंगे, तो फिर चोट के कैसे आया, आप भी तो देख रहे हैं चोट है ना, तो उस चोट है जैसे पुलिस ने ही हमको CD दी है और उसने टार्च से बनाई है तो क्या छिपाना चाहती थी। इनके बॉडी जो लाने के लिए गया था बच्चा लोग जो परिवार, उसी टाइम वो लोग पूरा उसका जो बिस्तर का सामान को क्लोज कर दिया, और जो इन लोग फोटो लेके आया तो इसका गले में दाग है, वो भी गहरा एक दाग है, सिर्फ एक जगह है, रस्सी का अलग से दाग है, सीडी में आँख में भी चोट दिख रहा है, उसका कपाल में भी है, बाएं हाथ का कलाई में भी है, उसका जंघा में भी है और पैर में भी है, तो हम ये किसी एंगल से आत्महत्या नहीं दिखा रहा है, तो उस एंगल में पुलिस को जांच करना चाहिए ना। लेकिन आप लोगों को पता था कि कन्नौजिया से उनके संबंध है या कई बातें जो कर रही थी वो लगातार? नहीं पहले मैं सिर्फ 3 तारीख को उनसे बात किया था और वही ऑडियो के लोग ये किया है, और पहले हमको ना तो लड़का की तरफ से जानकारी है ना तो बच्ची भी कभी बताई है, तो हम कैसे बोलेंगे कि पहले से जानते हैं। और अगर हमारे ऊपर इनको यकीन नहीं है तो उनका मोबाइल है ही है, बच्ची का भी है लड़का का भी है, उसका कॉल रिकॉर्ड निकाल के देख ले। मतलब ये था कि बातचीत शादी तक जा रही थी, बात हो रही थी, इस मामले को पुलिस ले रही है, ये बच्ची एक बार हमको 2 तारीख को बोली थी कि पापा एक लड़का है उनसे बात कर लीजिए, तो मैं बोला कि अपने कास्ट का है कि दूसरे कास्ट का, तो बोली दूसरे कास्ट का, तो मैं बोला तुम एक बार अपना कास्ट का देख लो, अभी तो बहुत तुम्हारा सही लोग ये है, तो नहीं एक बार बात कर लेते, बोला नहीं जब हमारा जो कास्ट का आदमी लोग है तो अभी और तेरा समय है तो मैं पहले किस लिए वहाँ जाऊँगा, पहले अपना मैं देखूँगा। तो इस तरह का तो कोई भी गार्जियन है वो इस तरह का समझाएगा ही कि भाई उसको किसी तरह हम सही रास्ता में लाएं, तो जैसे हर बेटी का बाप का जो फर्ज बनता है वही फर्ज मैं निभाया हूँ। मतलब आपने शादी के लिए आप भी राजी नहीं थे यानी क्या? नहीं देखिए राजी का बात नहीं है उसमें, अगर शादी उनको करना ही था तो और भी रास्ता है, कोर्ट मैरिज कर सकती है, मंदिर में शादी कर सकती है, अगर एक कहावत है लड़का लड़की राजी तो क्या करे पाजी। मतलब ये मामला उस ओर जा सकता है, शादी हो सकती थी, आखिर आत्महत्या की क्या बात आई? ये तो मैं उसमें आत्महत्या है नहीं, आत्महत्या है नहीं, उसमें चोट दिखाई दे रहा है, तो मैं
कैसे कह सकता हूँ कि वो आत्महत्या है? ये रूपा के परिजन हैं जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजभवन में कई बार गुहार लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री के पास भी मिल चुके हैं, और ऐसे में न्यायिक आयोग बना है झारखंड सरकार की ओर से, लेकिन उस न्यायिक आयोग पर इनको भरोसा नहीं है। ऐसे में ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच किस तरह से हो और क्या आगे कार्रवाई हो, इसके लिए राज्यपाल के साथ मुलाकात भी की है। अब देखना होगा कि इनकी जो चीर परिचित मांग है वो कब पूरी होती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।